आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले जियान के बच्चों के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले जियान के वाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि भाई जियान के बच्चों के बारे में बताओ, जियान के कितने बच्चे होंगे और वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है ऐसी बहुत सारी वीडियोस। जैसे कि मैंने जियान की बीबियों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि जियान की 6 बीबियां होंगी, और जो 6 बीबियां उनमें से सिर्फ 2 बीबियां हैं जो जियान की गवर्नमेंट बीबियां हैं और 4 जियान की प्राइवेट बीबियां हैं। और जो जियान की गवर्नमेंट 2 बीबियां होती है, यूनियन और क्यून मेडुसा, उनके एक एक बीबी होगा। तो क्यून मेडुसा के होगी एक प्यारी सी बेटी जिसका नाम होगा जियू जियू, और इसका जो बिहेवियर होगा वो अपनी मम्मी की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जाएगी अपनी दूसरी मम्मी पे, मतलब यूनर पे। और वहीं पर यूनर के होगा लड़का जो कि जियू जियू से छोटा होगा, और उसका नाम होगा जाओलिन और उसका दूसरा नाम होगा गोलिंग। अब बढ़ते जियान के जो बच्चे वो फर्स्ट टाइम कब दिखाई देंगे उनको और वो कितने ज्यादा पावरफुल है इसको बताऊं। उससे पहले आप लोगों का एक भारी भरकम डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं कि जियान की इतनी सारी वाइफ है जी आपस में फाइट नहीं करेंगी। हाँ, जियान की जो वाइफ है वो कभी भी आपस में फाइट नहीं करेंगी, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करती है। वो जियान से फाइट कर लेती है पर वो आपस में फाइट नहीं करती है। तो अब बढ़ते जियान की लड़की जिसका नाम जियूजी है उसकी स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले जियूजी हमें जब दिखाई देगी उस टाइम पे चलते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं उस टाइम पे जहाँ पर क्यून मेडुसा चांद को देख रही होती है, और वो काफी ज्यादा अपसेट थी और अपने मन में बोल रही होती है, 6 साल बीत चुके जियान, तुम अभी तक क्यों नहीं लौट के आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। क्योंकि उस टाइम जियान होल ऑफ सोल वालों से फाइट करने के लिए गया हुआ था और वो 6 साल से क्यून मेडुसा से मिला नहीं था, इसलिए क्यून मेडुसा काफी ज्यादा अपसेट थी और जियान की उसे काफी ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसे एक पीछे से आवाज आती, मम्मी आप क्या पापा को याद कर रही हो। तभी क्यून मेडुसा उस आवाज की तरफ देखती, तभी हमें दिखाई जाती है फर्स्ट टाइम जियू जियू जो की अभी 2 साल की, और वो आसमान में उड़ रही है बिना विंग्स के, और बिना विंग्स के हवा में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो डाउजोंग लेवल पर हो। तभी जियू जियू की बॉडी से हैवी स्वेलिंग पाइथन बाहर आ जाता है, और ये अपना वाला ही पाइथन है जो हमेशा जियान की मदद करता है। तभी क्यून मेडुसा जियू जियू को गोदी में ले लेती और उसे सहला के बोलती है, चिंता मत करो तुम्हें पापा देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। और इस टाइम पे जियान को पता भी नहीं है उसकी एक बेटी है, वो भी 2 साल की हो चुकी है। और ऐसी बहुत सारा समय बीत जाता है जहाँ पर जियान ने होल ऑफ सोल वालों से भी फाइट कर ली थी, और जियान वहाँ से गुगलैंड चला जाता है, पर जियान ने पॉइजन गर्ल को क्यून मेडुसा के पास भेज दिया था उसकी हेल्प करने के लिए। और वहीं पर जियान ने मैसेज के थ्रू क्यून मेडुसा को पूरे कॉन्टिनेंट का रानी बना दिया था, और उस कॉन्टिनेंट में जीव कबीला, ब्लैक कॉर्नर रीजन, जीमा एम्पायर सब कुछ आता था, और जो अपने आइस एम्परर वगैरह थे वो सभी के सभी क्यून मेडुसा के अंदर आते हैं। अब क्यून मेडुसा को अपनी बच्ची को भी संभालना है और कॉन्टिनेंट को भी संभालना है। यह सब कुछ एक टाइम पर तो सही चल रहा होता है, पर एक दिन आ जाता है जहाँ पर जियान ने एक कॉन्टिनेंट से पंगा ले रखा होता, तो वो कॉन्टिनेंट जियान की कबीले के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। और जो डेस्क कॉन्टिनेंट वाले हमला करने आए थे वो कोई मामूली बंदे नहीं थे, वो 30 लोग थे और वो सभी के सभी डाउजोंग पर थे। और ये लेवल कितना ज्यादा पावरफुल है उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। आपने जो 3 ईयर एग्रीमेंट में युनसेन को देखा था जो कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर था, युनसेन जैसे 100 लोग भी आ जाए फिर भी इस लेवल के एक वॉरियर को भी नहीं हरा सकते हैं। और वहीं पर स्टोरी में बात करें वो सभी वॉरियर चारों तरफ से क्यून मेडुसा के पैलेस को घेर लेते हैं। तभी हमें फिर सेकंड टाइम जियू जियू को दिखाया जाता है, क्यून मेडुसा ने जियू जियू को कस के गले लगा रखा होता है क्योंकि क्यून मेडुसा उन सबसे अकेले फाइट करने जा रही थी। तभी क्यून मेडुसा जियू जियू को पॉइजन गर्ल को दे देती और बोलती है, तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं इन सभी को अकेले हरा पाऊंगी, और मुझे कुछ हो जाता तो जियू जियू को इसके पिताजी के पास ले जाना। इतना बोलती खन क्यून मेडुसा अपने पैलेस से बाहर आ जाती और उन वॉरियरों के सामने खड़ी हो जाती है, और उन सभी वॉरियरों के सामने अभी भी क्यून मेडुसा का फुल एटीट्यूड था। और वहीं पर पॉइजन गर्ल जियू जियू को लेकर वहां से भगने लगती है, पर पॉइजन गर्ल कुछ ही दूर तक भग पाती, तभी कुछ वॉरियर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक वॉरियर पॉइजन गर्ल को ना अटैक करते हुए जियू जियू के ऊपर हमला करता है, पर पॉइजन गर्ल उस अटैक से जियू जियू को बचा लेती पर वो अब भाग नहीं सकती क्योंकि उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी पॉइजन गर्ल जियू जियू को फेंक देती है जियान के फर्स्ट भाई की तरफ। जियू जियू जियान के फर्स्ट भाई की तरफ पहुंच पाती उससे पहले एक वॉरियर जियू जियू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो जियू जियू को पकड़ने वाला ही होता है तभी एक फ्लैश चमकता है और वो वॉरियर खत्म और जियू जियू जियान की गोदी में। तभी बाप और बेटा पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। तभी जियान जियू जियू का सर सहलाते हुए बोलता है, छोटी सी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तभी जियू जियू भी थोड़ा डरती हुए बोलती है, मेरा नाम जियू जियू है। तभी जियान उसे गले से लगा लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तभी जियू जियू थोड़ा सा डरती और बोलती है, तुम चाहे थे मेरे पापा हो। और इन पर जो वॉरियर थे वो जो मारने आए थे उन सबको जियान ने बातों के बीच में सभी को मार डाला था, मतलब सबके एक एक कनपट्टी में दे आया था। तो फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी तभी क्यून मेडुसा जियान के पास आ जाती है जो कि गुस्से में आग बबूला हो रखी थी। तभी वो जियान की गोदी से जियू जियू को छुड़ा लेती है और इसके बाद उन दोनों की थोड़ी बहुत लड़ाई होती है। तो यही स्टोरी थी जियू जियू पहली बार कब दिखाई थी और जियान से पहली बार कब मिली। और इन पर जियू जियू का रिपोर्ट कार्ड निकाले तो हमें पता चलता है कि जियू जियू जब पैदा हुई थी तब वो एक डाउलिंग की वॉरियर थी और हमारे मास्टर को जियू जियू काफी ज्यादा पसंद आती इसलिए मास्टर उसके गुरु बनते हैं और फिर वो जियू जियू को ट्रेनिंग देते हैं। और नोवल के एंड होने तक जियू जियू 8 स्टार डाउजेंग बन जाती है और ये लेवल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है। और इस लेवल के बाद आता है डूडी जिसे अपन लोग गॉड लेवल भी बोलते हैं, यहाँ तक कि मास्टर यावला भी 3 स्टार डाउशेंग रह जाते हैं। अब बात
करते जियान के लड़के मतलब यूनर के लड़के की, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो होगा क्यून मेडूसा जैसा, अकुडू एक नंबर का। और ये भी अपनी बहन की तरह पावरफुल होगा, पर इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि ये नोवल के लास्ट चैप्टर पे पैदा होता है, मतलब हैप्पी एंडिंग हो जाती है बैटल तो तैवान की तब। तो यही थे जियान के दो बच्चे जो कि बवाल है जियान की तरह। जियान के लड़के का तो पता नहीं, जब जियान की लड़की होती हुई इतनी ज्यादा क्यूट लगती है चैप्टर में, जब वो एपिसोड्स में आएगी तो और भी ज्यादा कमाल लगेगी वो। और इन पर आप मुझे ये भी बता सकते हो, आपने जो अभी तक कैरेक्टर देखे हैं एपिसोड्स में उनको रैंक किया जाए कि वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे एंड तक। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में रेड हार्ट जरूर डालें। तीन कैरेक्टरों के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं जो डूडी है। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, जो कि राइट साइड में आ रही, और लेफ्ट साइड में वो वीडियो है जहां पर आप जाके देख सकते हो कि जियान की कितनी बीबियां होंगी। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।